एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ है आपके विधायक श्रीधर शर्मा जी। आज हम से पूछना चाहेंगे, सर मोदी जी के 100 दिन पूरे हो गए, आपको क्या विकास लगता है मोदी जी ने किया है? मोदी जी के 100 दिन पूरे हो गए कोई दोहरा नहीं है, लेकिन हमें कोई खास दिल्ली के अंदर कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। विकास नहीं हुआ ना होगा आगे विकास। जब 1947 में जो लगान लगा रही अंग्रेजों ने लगाई थी ना, वो अब ये लगा रहे हैं। अजी जनाब, भूखे मरने की नौबत आ रही है लोगों के, विकास कहाँ से आ गया? क्योंकि यहाँ इनका भैया ये पैसा बन रहे हैं, आगे ये जीतेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होना इनके आगे। वो नोटबंदी करके वो जेल भी तो चलेगा ऊपर, बाकी सब नीचे पड़े हुए। कमी हो रहा है जी। और परेशानी है हर तरफ। अब जो काम करने वाले थे वो मजदूरी पे आ गए, रिक्शा डेली चला निकले जो काम करने वाले थे, अब तो कुछ भी नहीं है। परेशानी यानी इसमें परेशानी आ गई है बहुत ही ज़्यादा है। लोगों को दुकानें उजड़ रही हैं, कारोबार उजड़ रहे हैं, कहीं बैठने नहीं दे रहे किसी को। तो क्या विकास करा 100 दिन के अंदर? ये करा है कि बस उसको हिंदू को कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मंदिर बनवा देंगे, ये मस्जिद बनवा देंगे, यही विकास करे जा रहा है। कौन लोगों को कुछ मिल लिया? गरीब आदमी सब परेशान है, किसका काम चल लिया है, सब रो रहे हैं बेचारे। रोटी रोजी का पता नहीं है, विकास करा रहा है, अपना विकास कर रहा है ये, किसी का विकास नहीं हो रहा, अपना विकास कर रहा है बेटा ये। बेरोजगारी बढ़ रही, क्या होगा, छीना झपटी हो रही, दिन में दिन हो रही है। जो रोजगार कर था वो रोजगार सारा खत्म हो गया, क्योंकि पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जुर्माना कर करके, यही हो रहा है। और क्या होएगा आगे? हम तो आज से गुलाम थे कांग्रेस की सरकार में, भगवान ना करे कभी आगे कांग्रेस आए, हम तो चाहते हैं मोदी आए। मुझे कुछ भी नहीं नज़र आता, वो तो बाहर का टूर लगा रहा है, दिखा रहे हैं कि हम जो बाहर जा रहे हैं, पब्लिक परेशान है, ये कोई नहीं कर रहा है। और ये क्या कहते हैं कि रूल देने लगा दिया चलान का, डेढ़ लाख रुपये वो चलान काट रहा है। बताइए आदमी नौकरी पेशा आदमी क्या देगा 1.5 लाख रुपये चलान का? हम तो बहुत परेशान है बहुत। आप क्या कहेंगे मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने, कितना विकास? बोलो। मैम हम बिल्कुल परेशान हैं, हम खुश नहीं हैं चीज़ से। ये इधर गाड़ियों के इन्होंने चलान इतने महंगे कर दिए, माल भी हम दो दो गाड़ी में लाना पड़ लिया एक ही जगह। जो है काम ही नहीं कर रहे कुछ भी, वो तो विदेश में पड़े हुए आराम का पैसा समझ के, लोगों का अपना अपना काम चला रहे हैं बस, और क्या कर रहा है वो, विदेश घूम घूम के मजे ले रहे हैं, पैसे चला रहे हैं अपना, सारा देश का पैसा उठा के पता नहीं क्या कर दिया, RBI का पैसा खा गए सारा, क्या क्या कर दिया इन्होंने, हमें क्या पता क्या कर रहा है, ये सारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। विकास क्या है, सारा बुरा हाल है, कुछ भी नहीं है विकास, खाली कहना था कि विकास है। मैं तो एक हिंदू हूँ, हिंदू परिषद से हूँ, बहुत बुरा हाल है। हाँ, गौतम बुद्ध जिला से हैं, जो कह रहे थे वो किए नहीं। जी। क्या करा मुझे जरा ये तो बता दो, सरकार ने करा क्या है? जे इन्होंने बना दिए मोटरसाइकिलों पे के उस गाड़ियों पे के 25,000 का चैलेंज, के 15,000 की गाड़ी लेके आओ 25,000 का चैलेंज काट दो, क्या फ़ायदा, क्यों होगा ये तो बताओ। परेशान कर रखा है, सब काम धंधे से परेशान है बस। बहुत अच्छा विकास है, हमारी दुकान खाली हो चुकी है और हमें सुकून है कि हम यहाँ बैठ के अपने मोबाइल में नेट चला के आराम से बैठे हैं। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ है, और बल्कि मोदी जी के राज के अंदर परेशानियाँ कुछ ज़्यादा हो गई हैं। रोड पे चल नहीं सकते जी। और बहुत सी ऐसी बातें, कारोबार कर भी नहीं सकते जी। और कारोबार करने के लिए अगर कुछ होता है तो मोदी जी की सरकार अब पता नहीं कितने कानून लागू कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके कानून इतने हैं कि पब्लिक जनता जो है ना वो चक्की के अंदर पीस के रह गई है। जब से मोदी सरकार आई है हिंदू मुस्लिम अब बहुत सुनने को आता है, और कोई मुद्दा नहीं है, अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है बस, कोई मुद्दा नहीं। मोदी जी का कोई विकास नहीं है, विकास होता तो पब्लिक कारोबार से लगी होती, कारोबार से परेशान है सारे आदमी इस टाइम, और कारोबार का मेन मकसद है, इंसान का कारोबार से परेशान होगा तो कहाँ जाएगा वो। अब मोदी जी ने कोई विकास तो किया नहीं है अभी तक, सब सुनने में ये आता कि विकास करा, कोई विकास नहीं है मोदी जी का। पहले 1,000 रुपये जब मेरे थे तब 100 रुपये, ये विकास कर रहा है मोदी जी हमारे, 250 साल पीछे कर दिए मोदी जी ने। रोजगार, कपड़े नहीं है पहनने के, खाना तो गया बहुत दूर, कपड़े भी नहीं है पहनने के मैडम। और अगर मोदी 5 साल और रहेगा ना तो सब बेकार हो जाएगा। अभी तो देखिए मोदी जी ने जो कहा था कि अच्छे दिन जी। तो आज दुनिया देख ही रही है कितने अच्छे दिन आ गए,
अब आगे देखते हैं कि और कितने अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा है मुसलमानों के लिए तो आज़ाद देश में भी गुलामी वाली ज़िंदगी हो गई। इतने बड़े आज़ाद देश के अंदर आज हम गुलामी की ज़िंदगी काट रहे हैं, ये भी वजह आज मोदी जी ने पैदा कर दी। तो अभी हम देखते हैं कि आगे अब जीने का हक भी मोदी जी देंगे या नहीं देंगे। मैं तो मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि ये देश हम सबका आज़ाद देश है, इसमें जितनी मोहब्बत है, जितना प्यार है, किसी देश में नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके भाई भाई बन के रह रहे हैं, इनमें तोड़ो ना करें। तो ये जो हमारे चलान कटे जा रहे हैं, ठीक है कट रहे हैं चलान, कोई बात नहीं कटे, हमें उससे कोई वो नहीं है। पर जो हमें परेशानियां मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं उसके ऊपर कोई चलान नहीं है। हमारी सीवर लाइन बंद हो जाती है तो उसके ऊपर कोई चलान नहीं है। रोड टूट जाता है तो उस पर कोई चलान नहीं है। स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है तो उस पर कोई चलान नहीं है। इतनी परेशानियां उठा रहे हैं उसके बावजूद उन चीज़ों पे चलान नहीं है। और इन चीज़ों पे अगर मोदी ने अच्छा करा, कोई नहीं, अच्छी बात है, कानून लागू करा, लेकिन कानून कम से कम ऐसा तो लागू करो कि 10,000 की गाड़ी है और उसका 30,000 का चलान काट दिया, ऐसा भी कानून लागू नहीं करो। गरीब आदमी भी है इसके अंदर, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो लोग इतना परेशान हैं। 1,00,000 की उसकी गाड़ी है, बैटरी गाड़ी, उसका 50,000 का चालान काट देते हैं बेचारा, वो 500 रुपये कमाने वाला आदमी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मैडम GDP देखिए कहाँ जा रही है हमारी जी। और इस चीज़ को देखते हुए आप देख लीजिए कितना विकास हुआ है, अगर विकास हुआ होता तो GDP अप होती जी। अब GDP जब डाउन में जा रही है तो इसका मतलब विकास नहीं हुआ। तो मैडम विकास जो हो रहा है हमारी नज़र में तो कुछ नहीं है, हम तो गरीब आदमी यहाँ पे पाले के घर में ये पिट्टू बैग बेचते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन हमें तो ये है कि जो हमारा जो पहले काम था वो इस बार हमारा काम नहीं, ये समझ लो कि हमारे घर में 2 दाल रोटी के भी ला ले, ठीक है। हम यहाँ पूरे दिन में 100-200, 200-300 रुपये कमाते हैं, 200-300 रुपये में आज के टाइम में क्या होता है। मेरे खुद के घर में 2 बेटी हैं जिसमें मेरी बड़ी बेटी जो BA कर रही है, ठीक है ना, 100 रुपये डेली वो कॉलेज लेके जाती है, अभी मैंने उसकी 15,000 रुपये की फ़ीस भरी है। हाँ मोदी जी कहते हैं, हमें मोदी जी से बहुत उम्मीद थी कि कुछ दोबारा आए तो कुछ विकास हम गरीबों को नहीं करेंगे, लेकिन हमें अभी कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। मैंने अपनी बेटी की भी 15 दिन पहले फीस भरी है, ठीक है ना, मुझे मालूम है कि मैंने उसकी फ़ीस कैसे भरी है, सप्लायर से पैसे उधार उधार लेके तब जाके मैंने उसकी फ़ीस भरी है। मोदी जी कह रहे थे जब शुरू में आए थे कि जी ऐसा कि बेटी बचाओ, आई थे ना, अब बेटी बचाओ, मेरे पास 2 बेटी हैं, मैंने दोनों बेटी बचा रखी तो पढ़ाऊंगा भी जरूर, मैं अकेला कमाने वाला हूँ घर में, ठीक है ना। तो मैं इसमें कहता हूँ बाकी हम आगे क्या उम्मीद करेंगे मोदी जी से, बस ये है कि हमारा काम धंधा भाग भाग के दो आपके सामने अभी कमेटी वालों ने बंद करवा रखा ही है, ठीक है ना, 1-2 घंटे के बाद फिर बंद हो जाएगा। पूरे दिन मतलब शरीर पर वजन लटका के जो हम ऐसे भागते हैं कुत्ते की तरह, जैसे हम यहाँ पे जो चोरी डकैती कर रहे हैं अपने मुल्क में रहकर। तो मोदी जी से बस यही थोड़ी सारी गुजारिश है कि हम लोगों को थोड़ा खरा ध्यान रखें, गरीब आदमी है, हमें थोड़ी बहुत सहूलियत है, हमें यहाँ पाले गार में 15 साल हो गए, हमें थोड़ा बहुत कहीं रोजगार दे दें, कहीं बिठा दें कि छोटा मोटा कहीं खोखा वोखा करवा दें। हमें तो कुछ देखने को नहीं मिला, वही 5 साल पहले जो राम मंदिर के ऊपर, 370 के ऊपर और जो आपका 3 तलाक के ऊपर, वही कहानियाँ दोबारा घटी जा रही हैं। हमें तो कोई विकास देखने को मिले, विकास को उसको कहते हैं, विकास कहते हैं कि नई नई योजनाएं लिख लें, युवाओं को रोज़गार मिले, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, आर्थिक जो मंडी है, जो मंडी उसको तेज़ी कैसे लाया जाए, उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, ये विकास होता है। तो हमें तो कोई विकास दिख रहा नहीं है, बाकी मीडिया को कोई विकास दिख रहा है तो वो मीडिया बताएगी। गरीब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा, मैं भी एक आम आदमी गरीब आदमी हूँ और बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। गलती धोखे हो जाते कि आदमी उसका चुका भी देता था, अब इतना महंगा हो गया आदमी क्या कहे, 10,000 का वाहन है, 30,000 का चालान हो रहा है, कैसे काम चलेगा। हर तरफ बेरोजगारी का माहौल है, इतनी सारी नौकरियां जा चुकी हैं सारे लोगों की, और बहुत दुख होता है देख के कि जिस सपने के साथ मोदी जी को लाया गया था और जिस हम सबका सपना था, हमें लगा था कि कांग्रेस के राज में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव आएगा, उन्होंने इतना ज़्यादा लोगों को विश्वास दिलाया था, लेकिन उस विश्वास पे वो कहीं भी खरे नहीं उतरे हैं। मतलब किसी भी एंगल से देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, मुझे कहीं पे भी कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, चाहे उनका वो स्वच्छता का अभियान जो उन्होंने चलाया, बेशक वो था मनमोहन सिंह के टाइम का निर्मल भारत योजना थी, उसको ही बेशक उन्होंने नाम बदल के जो भी किया हो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको अपना प्रोजेक्ट कहा, लेकिन फिर भी कुछ देखने को मिला नहीं, कोई बदलाव देखने को नहीं मिला।
तो कुल मिला के निराशा हाथ लगी है। महिला सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ उनके राज में, पूरी तरह से निराश हैं हम लोग। मेरा बेटा अब बड़ा होने वाला है, उसको उसके मतलब एजुकेशन के बाद उसकी नौकरी का टाइम आ रहा है। मुझे बहुत चिंता है कि उसको कहाँ से मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रोज़गारी का जो ये आलम है, और मुझे नहीं पता, मुझे हर जगह निराशा नज़र आ रही है। बोलते भी ठीक हैं और उनकी बातें सुनने में तो मज़ा आता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें वो बिल्कुल हार गए हैं। जैसे देश की इकॉनमी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है जी, और अभी कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो उसको ठीक कर पाएँ। उसके लिए उनको किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट की, हो सकता है सरदार मनमोहन सिंह जी की भी मदद लेनी पड़े तो ले लें, लेकिन देश की इकॉनमी ठीक कर। अच्छा, कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर सिर्फ जनता का नुकसान ही नुकसान हो रहा है सारे। एक तो सीलिंग दोबारा उन्होंने रिकंटिन्यू कर दी, जगह जगह सीलिंग चल रही है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठप हो चुका है, करेंसी डाला। आप सबसे मेन पॉइंट तो हमारे ये है, जब इंडियन करेंसी की हमारी डाउन हो गई तो हमारा विकास कैसे, हमारा देश का विकास कैसे होगा? विकास हो ही नहीं रहा, और हम खुद परेशान हैं अपने कारोबार से। जब लोगों का विकास हो तो हमारा कैसे विकास होगा? 40,000 रुपये का एक गाड़ी का चलान कट गया, एक गाड़ी का 20,000 का चलान कट गया। हम तो बजाय रोटी की जगह चाय और तुम्हारे सामने बंद खा रहा है। सेन ने खाना खराब कर दिया मालदार आदमी का। जब से ये देख लो रोड पे बैठे हुए अब वो काम धंधा बिल्कुल नहीं है, रोजगार सारा बंद, टूल वूल सब जगह गुंडागर्दी हो रही है, टूलों पे बदमाशी कर करके पैसे छीन रहा है। ये हमारे गरीब आदमी के पैसे हैं, ये सब इकट्ठा करके अमीर आदमी पे पैसे खर्चा करना चाहते हैं सरकार, और सारे रोजगार खत्म हो गए गरीब आदमी के। बहुत परेशान है इस गवर्नमेंट से, हम लोग सोचते कई बार कि अपने आप को हत्या कर ले। हर चीज़ में, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, सब चीज़ें खुद ही आदमी देख रहा है, समझ रहा है। बस कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि काम नहीं हो रहा है, इतने फॉरेन टूर्स हो रहे हैं तो कुछ ना किसी के लिए बेनिफिट्स हो रहा है, तभी तो होगा। कुछ तो बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है। आप अर्थव्यवस्था का ले लीजिए, GDP ले लीजिए, मतलब एक काम से बता दीजिए जो अच्छा उन्होंने किया है, सॉरी एक भी काम आपको नज़र नहीं आएगा। कोई भी किसी के शकल पे आपको खुशी नज़र नहीं आएगा, सब इनसे दुखी ही है। अगर एक भी आदमी आप यहाँ पूरे सिटी में खोज दो जो इनके काम से खुश हो तो हमको बताओ। आर्थिक मंदी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, युवा ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? भैया कहाँ से आएगा रोज़गार? जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप रोज़गार कहाँ से दोगे? आप जाते हो रशिया को पैसा देते हो, रशिया तो आपसे पहले ही बहुत ज़्यादा डेवलप है, आप उसको पैसा क्यों देने जा रहे हैं? आप अपने यहाँ लगा लो। आज जब से देश आज़ाद हुआ है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि RBI से पैसा लेना पड़ा है इंडियन गवर्नमेंट को, ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना बुरा स्थिति चल रहा है देश का, अब इससे ज़्यादा गर्त में मिला दिया इन्होंने। अगर आप सोच के देखो ना, आप एक ऑटो वाले के पास पैसा नहीं है कि आप ये रैली वाले बेचारे, इनको 2-3 दिन बाद हटाने का है, इनको हटा के क्या होगा आप बताओ? आप उनसे लो ना, उस दुकान वाले से लो, बड़े दुकान वाले से ले लो, ज़्यादा टैक्स बढ़ा लो। आप इनको हटा रहे हो, इनको हटा के क्या फ़ायदा? ये बेचारे रोजी रोटी, और जो छोटा आदमी है, मान लो हम आप हैं, अगर जैसे CP आते हैं घूमने तो हम इन्हीं के पास खाते हैं, ना कि बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने। बढ़िया रेस्टोरेंट में खाने के लिए 2,000 रुपये चाहिए एक आदमी को, आप वहाँ नहीं जाएंगे खाने, ना हम जाएंगे ना आप जाएंगे, हम जाएंगे इसी रेडी वाले के पास। एक तो दोनों सबका मतलब सिस्टम इनका कुछ है ही नहीं। अभी ये केजरीवाल कर रहा है कि इसको ऑड इवन कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि ऑड इवन ख़राब है, मतलब एक फार्मूला ही नहीं है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आप सिर्फ हवा में गोली चला रहे हो, ये कर देंगे, तीर मार देंगे, धनुष मार देंगे। आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, आपको करना क्या है? इनके पास कुछ आगे का रोड मैप ही तैयार नहीं है, ये सिर्फ हवा में दौड़ रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास। क्या जो स्पेशल विकास जा रहा है, हमारा जो मेन मुद्दा था कि रोजगार नहीं है, मोदी जी ने उसके लिए क्या करा है? आपका जो स्वरोजगार जो बोले था ना, पकौड़े तलने, जिसको हम लोगों ने अनवॉन्टेड ले लिया था, वो एक बहुत अच्छा मुद्दा था। मोदी जी का साफ कहना है कि भाई साहब अपना काम करो, अपना काम करो, अपना काम करो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।